हम ये तो के चले चल में हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। ये तो धोतर चोर है रे। तो भाई साहब हम लोगों ने टाउन हॉल 10 और 11 की कुछ स्ट्रेटजीज देख ली जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है, लेकिन आज हम लोग कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखने वाले टाउन हॉल 12 के लिए जो आप लोगों को हमेशा 3-स्टार अटैक करके दिलाएगी और आप लोग इजीली ये स्ट्रेटजीज यूज करके 3-स्टार करके आपके क्लैन लीडर को खुश कर सकते हो, अनलेस क्लैन लीडर लड़की ना हो। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग क्या देखने वाले, आज हम लोग करने वाले कुछ वॉर के अंदर लाइव अटैक्स टाउन हॉल 12 से जो आप लोगों को मदद करेंगे। तो जितने भी प्लेयर्स टाउन हॉल 12 या फिर उसके नीचे है सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी आपके वॉर के अंदर। तो चलेंगे गाइस डायरेक्ट वॉर के अंदर। एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो आप लोग, सब्सक्राइब कर देना पहली बार आए तो बाजू वाला बेल आइकन दबा देना एंड लाइक गेम करते हैं 12,000 लाइक्स के लिए। तो लेट्स गो फॉर अटैक। ओके गाइस, तो आज का हमारा जो पहला अटैक होने वाला है, पहला अटैक हम लोग करने वाले इस टाउन हॉल 12 के बेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोग प्लान बताऊंगा कि कौन से आर्मी के साथ करने वाला हूं। तो गाइस हम लोग इस बेस के ऊपर करने वाले हैं जैप ड्रैगन के साथ अटैक, 6 लाइटनिंग स्पेल, 3 अर्थक्वेक स्पेल, उसके साथ हम लोग क्या करना है, 3 एयर डिफेंसेस टेक डाउन करने हैं एंड जो 4th एयर डिफेंस रहेगा वो हमारे हीरोज के साथ टेक डाउन करना है। सो मेरा प्लान क्या होने वाला है इस आर्मी के साथ इस बेस के ऊपर, देखो प्लान सिंपल है गाइस। सबसे पहले क्या करेंगे, 2+1, 2 लाइटनिंग प्लस 1 अर्थक्वेक फॉर दिस एयर डिफेंस डाउन हो गया, उसके बाद 2+1 अगेन हियर, ये वाला एयर डिफेंस टेक डाउन हो गया एंड अगेन 2+1 हियर, ये वाला एयर डिफेंस डाउन हो गया। अभी ये वाला एयर डिफेंस बच जाता है एंड ईगल कंपार्टमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, विल मेक फनल, यहाँ पे हम लोग डालेंगे स्निकी गॉब्लिंस, सुपर वॉल ब्रेकर, अंदर की साइड पे 2 आइस गोलम डालेंगे एंड क्वीन को डालेंगे, वेट क्वीन के लिए काला कलर, क्वीन को डालेंगे। तो क्वीन क्या करेगी, ये पूरा कंपार्टमेंट खा जाएगी यूजिंग 2 आइस गोलम्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बंदे ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, यहाँ पे एक वॉइड छोड़ा है, मतलब एक टाइल का गैप है, वहाँ पे हम लोग इजिली ट्रूप्स अंदर की साइड पे डाल सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बार्बेरियन किंग को डिप्लॉय करेंगे, किंग पूरा ये कंपार्टमेंट खा लेगा इन हिज एबिलिटी। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है इस बेस के अंदर, कुछ डिफेंस बच जाता है गिने चुने और टाउन हॉल बच जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रो ड्रैगन डालेंगे, ड्रैगन 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 ड्रैगन, ब्लिंप आएगी यहाँ से बुड्ढे की एबिलिटी के अंदर, सारे के सारे बलून्स लेंगे, टाउन हॉल इजिली टेक डाउन हो जाएगा और पूरा बेस ड्रैगन निकाल लेंगे। सिंपल प्लान, सिंपल स्ट्रेटजी एंड सिंपल एग्जीक्यूशन भी होगा, तो चलो देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, तो चलते भी हम लोग अटैक के लिए। ओके, तो जैसा प्लान था वैसे ही हम लोग करना है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करना है, स्टार्टिंग में हम लोग ये वाला एडवेंस टेक डाउन करना है, यहाँ पे अर्थ को क्या आएगा, जिससे कि टाउन हॉल की भी हेल्थ थोड़ी सी कम हो जाए, जिससे कि ब्लिम के जो बलून्स हैं वो इजिली टेक डाउन कर पाए। यहाँ पे वापस एक अर्थ को एक्सपेल, उसके बाद यहाँ पे 2 लाइटनिंग एंड एक अर्थ को एक्सपेल, थोड़ा सा मल्टी के ऊपर भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे, स्नीकी स्नीकी एक वॉल ब्रेकर आएगा, आइस गोलम आएगा, उसके बाद क्वीन को डालेंगे, वापस एक आइस गोलम डालेंगे। ओके, यहाँ पे एक हम लोग ना जायंट यूज़ करेंगे ताकि कोई भी जायंट बम होगा तो वो फट जाएगा। अरे यार जायंट बम तो है नहीं लेकिन टेस्ला फार्म है भाई साहब, भाई साहब स्केलेटन भी निकल गया, कम ऑन किंग 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 किंग, तो भाई सिपाही बन गया यार, मर गया भाई। चलो क्वीन अपना काम कर रही है, यहाँ पे एक काम करेंगे, इलेक्ट्रो ड्रैगन डालेंगे, हम लोगों ने 10 बलून्स खामखा ले लिए गाइस, इतने बलून्स लेने की जरूरत नहीं है, 6 बलून्स इनफ। ठीक है, टाउन 11 और 12 के लिए 6 बलून्स इनफ है, इतने 10 बलून लेने की जरूरत है ही नहीं गाइस, पता नहीं मैंने कैसे ले लिया 10 बलून्स। ओके, तो अभी यहाँ पे बुड्ढे की एबिलिटी के अंदर ब्लिम को पहुँचाना है टाउन हॉल तक एंड एक फ्रीज भी लिया है जिससे कि हम लोग क्वीन और टाउन हॉल को फ्रीज कर सकें। ओके, एक हील भी है हमारे पास, जहाँ पे भी जरूरत होगी वहाँ पे हील डाल देंगे। अरे भाई साहब यहाँ पे हील डाल देते हैं, जरूरत थी, बलून्स की हेल्थ बहुत ही कम थी यार, बलून झुंड में आ गए यार। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेबी ड्रैगन ले लेते हैं 4 बलून कम करके, या फिर एक एक्स्ट्रा ड्रैगन ले लेते हैं, लेकिन चलो ठीक है कोई ना, आप लोग 6 ही बलून्स लेना, 6 बलून्स इनफ है गाइस, 6 से ज़्यादा बलून लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, बस ये मल्टी बचा हुआ है, ड्रैगन्स 1, 2, 3, 4, 5 ड्रैगन्स अभी भी जिंदा है यार। लास्ट कंपार्टमेंट में ना, मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी चीज़ हो सकती है करके टेस्ला फार्म निकल गया भाई, मैं तो खुशी खुशी चला गया भाई, बंदे ने मतलब खोल के रखा है बेस, तो आके मार के जाऊंगा कंपार्टमेंट को मारूंगा, लेकिन भाई उसने मेरी मार दी, लेकिन चलो कोई ना। यहाँ पे ये वाले ड्रैगन की हेल्थ फुल थी तो यहाँ पे हम लोगों ने मिनियन और आर्चर डाल दिया एंड कम ऑन नीचे के साइड पे, ओ ये वाले ड्रैगन की हेल्थ फुल है, खत्म खत्म है गाइस ये वाला बेस। तो भाई साहब ये वाला अटैक आज का हमारा पहला 3-स्टार हो चुका है, ये तो हमारी जैप ड्रैगन वाली आर्मी हो गई राइट।
अभी हम लोग ना एक सबसे सिंपल, इससे भी सिंपल एक आर्मी के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो अभी हम लोग अगले अटैक में करेंगे उस आर्मी के साथ अटैक। चलो गाइस, फिलहाल ये वाला अटैक तो हमारा हो चुका है, पहला थ्री स्टार अटैक। लास्ट वाला कंपार्टमेंट बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। चलो गाइस, लेट्स गो फॉर अनदर अटैक। ओके गाइस, अभी हम लोग अटैक करने वाले नंबर 11 के बेस के ऊपर, और यहाँ पे हमारी आर्मी होने वाली है वन एंड ओनली लेजेंडरी स्पैम आर्मी, गो विच आर्मी, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो एयर डिफेंस बोल रहा हूँ, मल्टी इन्फिर्नो टेक डाउन करने होते हैं, चार लाइटनिंग और एक अर्थक्वेक के साथ। उसके बाद ये वाला टेक डाउन करेंगे हम लोग, दो लाइटनिंग यहाँ, दो लाइटनिंग यहाँ, एंड अर्थक्वेक आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दो टेक डाउन कर लिए। लॉग लॉन्चर को सिलेक्ट करेंगे, गोलू गोलू गोलू, पीछे से विचेस की लाइन आएगी, लॉग लॉन्चर। ओके, चलो फनल वनल अच्छे से बन चुका है, हीरोज को डालेंगे यहाँ से, ताकि जिससे कि हीरोज कोर में जाए, सेंटर में लावा निकल चुका है सीसी के अंदर से। ओके, बुड्ढे की एबिलिटी थोड़ा जल्दी दे दी क्योंकि स्टोन स्लैमर की हेल्थ बहुत ही कम हो गई थी यहाँ पे। अरे यार, टाउन हॉल तक पहुँच पाएगा क्या? टाउन हॉल की वॉल तो फोड़ दी, लेकिन ट्रुप्स पहुँच पाएंगे क्या टाउन हॉल तक? फट गया। अरे टोर्नाडो निकल गया, पॉइजन आएगा यहाँ पे। अरे 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 अरे, टोर्नेडो 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 तो हमारी हेल्प कर रहा है गाइस। टोर्नेडो अगर यहाँ पे नहीं होता ना, तो ये मेरे येटीज भटक जाते, लेकिन टोर्नेडो ने सीन करवा दिया भाई साहब यहाँ पे, तो मजा आ गया। स्टिल हमारे पास बहुत सारी विचेस एंड स्केलेटन्स बहुत सारे बचे हुए हैं, और ये जो गोलम्स हैं लेवल 8 के, वो भी हैं, मतलब मर चुके हैं अभी तो, गोलमाइट्स बन चुके हैं। क्वीन के पास एबिलिटी पड़ी है, बेस के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें बच गई हैं, स्केलेटन वगैरह झुंड में है यहाँ पे। ओके भाई साहब, ये तो कुछ सीरियस अटैक हो रहा है भाई साहब। स्केलेटन्स बेस के बाहर है, अच्छी बात है, बस ये स्केलेटन्स ना क्वीन को टैंक करते रहे तो मज़ा आ जाएगा, निकाल लेगी क्वीन आराम से। वैसे देखा जाए तो कुछ ज़्यादा है नहीं बेस के अंदर। अरे यार, यहाँ पे एक मॉर्टर है, मॉर्टर सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट है भाई हमारे स्केलेटन्स के लिए। लो भाई, पूरा का पूरा झुंड गायब कर दिया भाई मॉर्टर ने। ओके, ये स्केलेटन जितने भी बचे सारे के सारे थोड़ा आगे जाके क्वीन को टैंक करें तो मज़ा आ जाएगा। चलो, बुड्ढा एक्सबो की साइड पे जा चुका है, मतलब एक्सबो बुड्ढे को टारगेट करेगा। चलो अच्छी बात है, खत्म है गाइस ये वाला बेस। विचेस देख रहे हो गाइस, तीन ही विचेस बची है, लेकिन स्केलेटन्स देखो कितने सारे स्केलेटन्स है। ये लो भाई साहब, कर लो बात, ये वाला अटैक हो चुका है गाइस हमारा थ्री स्टार। क्वीन की एबिलिटी बची हुई है यहाँ पे, एबिलिटी एंड खत्म गाइस ये वाला बेस। तो भाई साहब, ये थी आज की हमारी दूसरी स्ट्रेटजी, गो विच वाली सबसे सिंपल अटैक स्ट्रेटजी, एंड ये हो चुका है वापस हमारा एक और थ्री स्टार अटैक। अभी चलेंगे अगली स्ट्रेटजी के साथ, अटैक करेंगे वॉर के अंदर। कौन सी स्ट्रेटजी होने वाली है वो बेस के अकॉर्डिंग प्लान किया है, तो देखेंगे वो वाली आर्मी। ओके गाइस, अभी हम लोग अटैक करने वाले नंबर 9 के बेस के ऊपर। बेस लेआउट देख रहे हो गाइस, कुछ अलग ही लेवल का बेस लेआउट है, और हमारा प्लान भी कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करने वाले, लाइटनिंग स्पेल्स के साथ ईगल, और दोनों के दोनों मल्टी टेकडाउन करने वाले, 10 लाइटनिंग का इस्तेमाल आज हम लोग करने वाले गाइस। तो चलेंगे भाई साहब, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे चार लाइटनिंग, यहाँ पे चार लाइटनिंग, यहाँ पे एक अर्थक्वेक स्पेल आएगा। ओके, ये जो दो लाइटनिंग बचे हैं ये वाले एयर स्वीपर पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीन बलून्स। ओके, थोड़ा आगे जाओ। चलो, ब्लिम के साथ हम लोग टाउन हॉल को टेक डाउन करेंगे स्नीकी गॉब्लिंस के साथ, ठीक है। स्नीकी गॉब्स हैं हमारे अंदर, मतलब हमारे अंदर, हमारे अंदर थोड़ी ना है भाई, ब्लिम के अंदर। ओके, चलो यहाँ पे बेबी ड्रैगन के साथ फनल बनाएंगे थोड़ा सा। ओके, और क्वीन के साथ इसको टेक डाउन करेंगे हम लोग, लावा को। लावा जैसे फटने वाला होगा पॉइजन डाल देंगे। बेबी ड्रैगन के लिए थोड़ा सा रास्ता साफ कर रहे हैं हम लोग बलून्स डाल के, जिससे कि बेबी ड्रैगन इजी से क्लीन अप कर सके। यहाँ पे पॉइजन, चलो भाई सारे के सारे लॉपअप्स पॉइजन के अंदर है, अच्छी बात है। आइस गोलम किंग, चलो भाई सब हीरोज यहाँ से साफ करेंगे। एंड अभी जो बारी है वो है हमारे लावा लून की, दो ही हेड हंटर्स है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग हमारा लावा लून चालू करेंगे। बुड्ढे को डालेंगे लावा, बलून्स बलून्स। ओके,
चलो भाई साहब, हेड हंटर और हेड हंटर के हुड्डे की एबिलिटी दे दी, जिससे कि हेड हंटर क्वीन को इजीली टेक डाउन कर सके। ओके, एक ही फ्रीज है गाइज। लावा लून के लिए कोई स्पेल है ही नहीं हमारे पास, सिंपल लावा लून। अबे यार क्वीन मरी नहीं है, दो हेड हंटर ने नहीं मारा क्वीन को, अभी भी जिंदा है क्वीन, दिक्कत ना हो जाए भाई साहब यहाँ पे। भाई क्वीन जिंदा कैसे बच गई यार, तो गलत सीन हो गया भाई साहब। भाई क्वीन की हेल्थ 1 HP, कम ऑन टेक दैट क्वीन, कम ऑन, मार दिया भाई फाइनली क्वीन को। भाई साहब मैं तो डर गया गाइज, मेरे को लगा कि क्वीन मरेगी नहीं, सारे बलून खा जाएगी मेरी, लेकिन ठीक है यार मिनियंस ने मार दिया। एंड भाई साहब बलून्स बहुत ही कम बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बलून्स लिए थे हम लोगों ने, उसके बावजूद कम बचे क्योंकि क्वीन ने बहुत सारे बलून्स खा लिए यहाँ पे। भाई साहब ये हो गया हमारा अटैक 3 स्टार, बहुत सारे यहाँ पे ट्रैप्स भी थे। ओ टोर्नाडो भी निकल गया, वाओ क्या बात है, लेकिन उसके बावजूद ट्रिपल हो जाएगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे ट्रूप्स बचे हुए हैं हमारे पास। तो ये हो गया गाइस हमारा जैप लावा लून वाला अटैक, क्योंकि जैप के साथ बहुत तगड़ी वैल्यू मिल रही थी तो हम लोगों ने फायदा उठाया और कर दिया इस बेस को 3 स्टार। अभी चलेंगे एक बोनस अटैक के लिए। ओके गाइस अभी हम लोग हमारा अगला अटैक करने वाले इस टाउन हॉल 13 के बेस के ऊपर, मैंने प्लान करके रखा है हाइब्रिड आर्मी के साथ, सो लेट्स गो फॉर अटैक। ओके तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे हमारे 3 बलून्स डालेंगे, एक स्निकी गॉब्लिन यहाँ पे, एक स्निकी गॉब्लिन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्वीन आएगी, सारे के सारे हीलर्स। ओके एक और वॉल ब्रेक, जब भी ऐसा आप लोगों को दिखेगा ना ऐसा कंपार्टमेंट जहाँ पे आर्चर टावर या फिर ये कैनन होता है, तो 2 वॉल ब्रेकर एक साथ डाला करो, एक वॉल ब्रेकर तुरंत दूसरा वॉल ब्रेकर उसके पीछे, जिससे कि वो पास वाली वॉल फोड़ेगा और क्वीन इजीली अंदर जा पाएगी। एक वॉल ब्रेकर से काम नहीं चलेगा भाई साहब ऐसी जगह पे, ठीक है दो दो वॉल ब्रेकर लिया करो जैसे अभी हम लोगों ने किया यहाँ पे। चलो भाई साहब टाउन हॉल तो निकल चुका है, चलो क्वीन भी आ रही है अंदर की साइड पे, अच्छी बात है। अरे 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 क्या है, क्या सीसी के अंदर कचरा सीसी है गाइस, ये तो हेड हंटर्स निकल चुके हैं, तो एक फ्रीज डालते हैं, रिस्क लेने का ही नहीं है अपने को। एक और वॉल ब्रेक, लेट्स होप क्विन यहाँ से, आह परफेक्ट वॉल ब्रेक गाइस, मज़ा आ गया। क्विन तो पूरा मतलब एकदम अंदर तक घुस गई है गाइस, तो यहाँ पे फनल बनाएंगे सारे के सारे माइनर्स, बूढ़ा आएगा, ऑक्स आएंगे सारे के सारे, किंग की अर्ली एबिलिटी जिससे कि फनल बन जाए और ट्रुप्स अंदर की साइड पर रहे। ओ तीन तीन जाड बम भाई साहब, गलत लेवल भाई। अरे भाई साहब हीलर्स को टारगेट कर रहा है ये, एक फ्रिज डालेंगे, फिर भी टारगेट किया। क्वीन घूम जा, नाइस, एक रेस डाल देंगे। ओके चलो भाई क्वीन को हम लोगों ने जिंदा रखा है अभी तक, कम ऑन टेक दैट ईगल माइनर्स, ईगल को डाउन करो जल्दी जल्दी, हीलर्स की हेल्थ देख रहे हो बहुत ही कम है, एक रेड बम लग गया सारी हीलर्स गायब। यहाँ पे हील, ओके यहाँ पे एक बलून मिनियन, यहाँ पे एक आर्चर, यहाँ पे एक क्वीन का स्टील एबिलिटी पड़ी है हमारे पास, खत्म है गाइस ये वाला बेस। गाइस सारी हीलर्स जिंदा है लेकिन उनकी हेल्थ देखो, सारी हीलर्स की हेल्थ देखो यहाँ पे कितनी कम है, सीसी के मैक्स लेवल के हॉक्स है ये हमारे। क्वीन जिंदा है, बुढ़ाव जिंदा है, बहुत सारे माइनर्स हैं, हॉक्स भी है। और गाइस ये वाला नूब टाउन हॉल 13 का बेस 3 स्टार हो चुका है, हालांकि बेस लेआउट तगड़ा था इसका लेकिन डिफेंसेस लो लेवल के थे। तो ये हो चुका है गाइस हमारा 3 स्टार अटैक। ये थी गाइस आज की हमारी कुछ टाउन हॉल 12 की वॉर अटैक स्ट्रेटजी जो आप लोग यूज कर सकते हो, एंड ये हो गया हमारा 3 स्टार अटैक इस वाले बेस के ऊपर। तो भाई साहब ये थे आज के हमारे कुछ टाउन हॉल 12 के वॉर अटैक्स, एंड हाँ चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।